नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूं हमारी दास्तान सीरीज का में। और ये हमारा फिर से एक यूट्यूब एपिसोड है, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म मोगली बाबा का नहीं है। और आज मैं आपको एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा और ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग रवि पुजारी की है। थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन सुनने में थोड़ी सी आपको जो है एक आइडिया देगा कि कैसे गैंगस्टर्स जो हैं, क्रिमिनल्स जो हैं, वो किस तरीके से क्या थॉट रखते हैं, उनकी अपनी एक मार्केटिंग वैल्यू के पॉइंट से वो किस तरीके से मीडिया वाले लोगों को अप्रोच करते हैं जिससे कि वो लाइमलाइट में बने रहें और उनका एक जो आप ऐसे समझिए कि उनका एक ब्रांड बना रहे। क्योंकि रवि पुजारी बीच में अपने आप को देशभक्त डॉन की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना शुरू किया मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे न्यूज चैनल्स में वो हमेशा फोन किया करता था। ये जो फोन कॉल रिकॉर्डिंग है ये 2016 की है और 2016 की ये कॉल रिकॉर्डिंग है, ऑलमोस्ट 6 साल पहले ये कॉल रिकॉर्ड हुई थी। मैंने कभी भी उस फोन कॉल को पब्लिकली नहीं रखा। ये फोन कॉल एजेंसीज के पास भी हैं क्योंकि जब रवि पुजारी ने फोन किया था तो मेरा उस समय जो फोन था वो सर्वेलेंस पे था और एजेंसीज ने वो पूरा फोन कॉल सुनी भी थी। इस फोन कॉल में रवि पुजारी से मैंने ये भी पता किया कि वो जो सुरेश पुजारी या प्रसाद पुजारी के टाइम का, कि जब जो सुरेश पुजारी है उसने उल्लास नगर में एक केबल ऑपरेटर के ऊपर हमला किया था और 2016 के आसपास ही फिलीपींस में जो है जो ये है सुरेश पुजारी पहुंचा था दुबई से और इस समय ये दोनों अलग होने की तैयारी थे लेकिन सुरेश पुजारी टच में था और एजेंसीज जो है रवि पुजारी के बहुत सारे लोगों को ट्रैक कर लिया था, खासकर जो दुबई का एक लड़का था जो वहां रहता था उसको इंडिया लेके आए थे, अरेस्ट किया था, जिसमें एक बिल्डर का भी नाम आया था, वो कहानी फिर मैं कभी और बताऊंगा। तो आज इस फोन कॉल में मैंने उससे ये तक कहा था कि वो जो, क्योंकि रवि पुजारी हमेशा मुझे फोन करके एक इंटरव्यू करना चाहता था क्योंकि 2016 के आसपास ही उसी समय जो है मेरा छोटा शकील का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था जो सबने सुना था। तो उस इंटरव्यू के बाद रवि पुजारी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता था देशभक्त क्रिमिनल के रूप में, देशभक्त डॉन के रूप में। तो मीडिया से वो संपर्क करता था और खासकर मेरे एक इंटरव्यू के बाद उसने मुझे कई बार फोन किया था कि आप एक इंटरव्यू करिए, आप एक इंटरव्यू करिए। तो वो हमेशा पोस्टपोन, एक तरीके से कह लीजिए, या तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया या फिर रवि पुजारी जो है जब भी फोन करता था तो ये कहता था कि 2-3 दिन में मैं आपको फिर से फोन करूंगा और इस प्रोग्राम को करते हैं। प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि इंटरव्यू करते हैं, तो वो प्रोग्राम यानी कि इंटरव्यू से उसका मतलब था। यहाँ पे उसने, मैंने उससे जो है संजय दुरम्बा के बारे में भी पूछा था क्योंकि एक उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि मैंने एक धमकी दी है, तो उसने अपने आप को बताना शुरू किया कि मेरे जो लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं कि चलिए कोई तो सोच रहा है हमारे देश के बारे में। तो वो हर बार अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहता था कि वो एक देशभक्त डॉन है। वहीं दूसरी ओर जब भी वो फोन करता था तो ये कहता था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जितने भी फोन कॉल्स रवि पुजारी ने किए, मुझे हमेशा ये कहा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा मजाक का लुक देने के लिए मैंने उससे ये तक कह दिया कि तुम चांद पे जा रहे हो कि जो इतना ट्रैवल कर रहे हो। तो वो जो फोन कॉल है वो आप पूरी सुनिए और कैसे गैंगस्टर्स जो हैं, क्रिमिनल्स जो हैं, अपने आप को मार्केट करते हैं, मीडिया को अप्रोच करते हैं अपनी एक इमेज बनाने के लिए, जिससे अगर उनकी एक इमेज बनेगी तो उनका एक ब्रांड एस्टैब्लिश होगा, ब्रांड एस्टैब्लिश होगा तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा लोगों के अंदर डर बैठेगा, ये उनकी एक कार्य प्रणाली है। सुनिए वो फोन कॉल। हेलो, या कैन यू हियर मी? यस, हेलो, बात कर रहा हूँ, रवि पुजारी बात कर रहा हूँ। नमस्कार, क्या हाल, कैसे हो? क्या नमस्कार, कैसे हैं आप? बस 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 ठीक है ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग में था और थोड़ा सा बिजी हो गया था। और कैसे हो आप? बस बढ़िया। एक 2-3 दिन में प्रोग्राम करते हैं। एक तो एक्चुअली क्या हो गया था, एक
एक दो दिन थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है। तबीयत मीन्स लाइक थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो गया था, मैं ट्रैवलिंग में था ना, अच्छा तो जरा एयरपोर्ट वेयरपोर्ट में कुछ खा लिया था, है ना, इट्स फाइन ना, ठीक है, थोड़ा फूड पॉइजन टाइप हो गया था जी, यू नो। तो आप देखना मेरा आवाज देखा ना, डिफरेंस है ना थोड़ा सा आवाज, मैं वही सोच रहा था, मैंने इंटरनेशनल कॉल आ रही है, मैं आवाज नहीं पहचान पा रहा था। नहीं 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 थोड़ा सा वो मतलब था, वो मीटिंग वगैरह हो गया था, वो एयरपोर्ट में मैंने एक्चुअली किया, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा कुछ खा लिया था ना, कुछ टाइप कुछ खा लिया था, तो इट वाज लाइक या, बट आई एम ओके नाउ, थोड़ा ठीक है, अच्छी बात है। वोमिटिंग होने से थोड़ा सा, हाँ वोमिटिंग हुआ एंड लाइक यू नो थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा वो आपने जो मैं रिकॉर्ड करूंगा, हाँ आपने वो एक इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि संजय निरुपम वाली जो आपने कहा था कि उसको आपने थ्रेट, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बताया था ना, मैं बोला ना, मैं भी थोड़ा जगह पे नहीं था, लेकिन काफी मतलब वो लोग काफी मैसेज दिया था कि भाई वो संजय का बहुत चर्चा चल रहा है ऐसा वैसा, मैं बोला चलो ठीक है सही है कि नहीं, तो मतलब इवन हमारे लोग भी बहुत खुश थे, बोला सही है, बोले कोई तो है मेरे से बात करना, आवाज उठाने वाला, क्योंकि इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन ना, हाँ स्ट्रांग पर्सन है अपना इसमें पॉलिटिकल में भी ना, इन्फ्लुएंस है ना डायरेक्ट, हाथ लगाना बोला तो मतलब आदमी सोचता ना 10 बार। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये आपके जो मैं नाम भूल, प्रसाद पुजारी या सुरेश पुजारी, मैं नाम भूल गया उनका, जो अभी बीच में केबल ऑपरेटर वाले में थे, वो आपके साथ अभी भी हैं या अलग हो गए? नहीं 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 मेरे साथ भी नहीं है, मेरे साथ तो मतलब जो केबल ऑपरेटर वाला हुआ था वो अलग अलग था, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें? नहीं, एक दो तीन दिन में आपको बताता हूँ, दो तीन दिन में थोड़ा सा ये हो जाओ ना, थोड़ा अब बात करने हो जाऊं मैं तो, चलो इसको ऐसे मजाक समझ के मैं कह रहा हूँ, कहा चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हो जो इतने दिन से ट्रैवल ही कर रहे हो? ये बताओ। नहीं एक्चुअली क्या मैं आपको बताता हूँ कि मैं ज्यादा मतलब ट्रैवल पता, जो 10-15 दिन रहा फिर जगह लोकेशन चेंज, समझे कि नहीं? नहीं नहीं एक दो तीन दिन में फ्री हो जाऊंगा, डेफिनेटली आएगा, मतलब सवाल ही नहीं उठता है, आपको मैंने कॉल की हो, डेफिनेटली मैं आपको कॉल करता हूँ दो तीन दिन में ना, मैं फ्री होके मैं डेफिनेटली। हाँ 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 चलो आप अपना टाइम ले लो, ओके चलो।